सर तो मैं मौत तक रह जाऊंगा, ऑक्सीजन पे काम करेगा। अरे अल्लाह काम करो, चुनना बैटरी ये कई सालों पहले खबर सामने आई थी कि एक बोरवेल में एक मासूम गिर गया है। कई घंटों तक रेस्क्यू चला और प्रिंस को बाहर निकाला गया। तब से अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई सटीक समाधान 10 या 15 सालों बाद भी नहीं निकल सका। सिर्फ खाना पूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन तस्वीरें जस की तस होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बड़ी घटना सामने आई। यहां पर एक बड़ी लापरवाही की वजह से 4 साल का मासूम बच्चा गहरे बोरवेल में जा गिरा। बच्चे के गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पहले तो गांव वालों ने खुद ही उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसे बचाने के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। बच्चे को ऑक्सीजन भी लगातार दी जा रही थी। बोरवेल लगभग 100 फीट गहरा था। घटना फतेहाबाद के निबोहा की है। यहाँ पर धरिराई गांव में एक घर के सामने बोरवेल का काम चल रहा था। लगभग 100 फीट गहरा बोरवेल खुदा हुआ था। 4 साल का शिवा अपने घर के बाहर खेल रहा था। अचानक खेलते खेलते वो बोरवेल के पास तक पहुंच गया और गहरे बोरवेल में जा गिरा। बच्चे के पिता छोटेलाल ने बताया कि कुछ लोगों की नजर शिवा के बोरवेल में गिरते हुए पड़ी तो उन्होंने घर वालों को सूचना दी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। बच्चे को ऑक्सीजन लगातार दी जा रही थी। बीच बीच में बच्चे की आवाज भी सुनाई दे रही थी और बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद मौके पर पहुंची सेना की टीम द्वारा राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बोरवेल के समांतर करीब 100 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदा गया, जिसके पैरेलल एक सुरंग बनाई गई, जिससे बच्चे को रेस्क्यू किया जा सका। और आखिरकार इतने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शिवा को सकुशल बचा लिया गया है और सभी ने राहत की सांस ली है। हर कोई सेना की तहे दिल से तारीफ कर रहा है और सेना का शुक्रिया अदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।